यहाँ आप देख रहे हैं जमीन के अंदर भी नमक है। हम अभी इंशाल्लाह आपको इस इसकी कान का विजिट कराएंगे। यहाँ 2,20,00,000 टन के जखायर मौजूद है। बहुत ताजा हवा है, बहुत प्यारी है और नमक शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं ये मुगल बादशाहों ने कुछ सेटअप लगता है यहाँ शुरू किया था। कैसे खोदा है यार ये सब चेक करें। इस तालाब की गहराई से आपको अंदाजा हो जाएगा 10 मिनट से लेकर नथिया गली। ये नाजरीन आप देख रहे हैं बंदर नहीं है बस यहाँ पे। अब जाना क्या है? अच्छा ये नथिया गली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम खेवड़ा नमक पाकिस्तान की मशहूर कान है। ये पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं सारे नमक के पहाड़ हैं। कहा जाता है कि सिकंदर आज़म जब यहाँ आया तो उसने घोड़ों को देखा कि वो घोड़े जो है पहाड़ों को चाट रहे हैं, तो बड़ा हैरान हुआ। तो फिर यहाँ कान दरियाफ्त हुई और ये दूसरे नंबर पर दुनिया का सबसे बेहतरीन सॉल्ट है। अच्छा मेक्सिको नंबर वन। मेक्सिको नंबर वन पर है नहीं, क्वांटिटी के लिहाज से क्वालिटी के लिहाज से क्वांटिटी। अच्छा मेक्सिको में सबसे बड़ी है, इसके बाद दुनिया की दूसरी बड़ी कान ये है। यहाँ आप देख रहे हैं जमीन के अंदर भी नमक है। हम अभी इंशाल्लाह आपको इस इसकी कान का विजिट कराएंगे। आप लोग हमारे साथ लाइन पर रहिएगा। और ये देखें आप, ये गार देख रहे हो, ये गार भी ऐसे ही है। ये नमक निकालने के लिए खोदे हुए हैं जगह जगह से। तो ये हमारे साथ हैं साजिद भाई हैं, हमारे शागिर्द हैं अनवार भाई हैं, मुफ्ती हुसैन खलीलुन खेलुन साहिब और इंजीनियर साहब जो हसब मामूल हमारे साथ होते हैं, मौलाना बशीर साहब जो हसब मामूल हमारे हम सफ़र होते हैं, रफ़ीक सफ़र। तो हम आपको लेके जा रहे हैं अभी इंशाल्लाह कान में। ये देख रहे हो आप यहाँ नमक कितना है, ज़मीन के अंदर बहुत नमक है। ये बड़ा बेहतरीन नमक है, ये सेहत के लिए ऑर्गेनिक। ये इस नमक के बारे में आपको यहाँ मालूमात मिलेंगी कि खेवड़ा नमक की दरियाफ 326 कबल वसी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 326 साल पहले इसकी दरियाफ्त हुई थी, जब सिकंदर आजम और पोरस के माबैन जंग लड़ी गई। सिकंदर आजम के फौजियों के घोड़े इस इलाके में चरने के लिए पत्थरों को चाटते हुए पाए गए, जिससे यहाँ नमक की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। इस वक्त से यहाँ नमक निकालने का काम जारी है। दुनिया में नमक का अहम तरीन जखीरा है। कोहिस्तान नमक का सिलसिला दरियाए जेहलम के करीब बेगनवाला से शुरू होकर दरियाए सिंध काराबाग में ख़त्म होता है। इसकी लंबाई 300 किलोमीटर, चौड़ाई 8-30 किलोमीटर, 300 किलोमीटर इस कान की लंबाई है और ऊंचाई 2200 फुट था 4990 फुट को स्क्वायर है। ये क्या लिखा हुआ है, खेवड़ा को अर्जियाती अजायब घर में भी करार दिया जाता है, क्योंकि यहाँ करोड़ों साल पुराने प्री कैम्ब्रियन अहद से मौजूद दौर तक के हजरी आसार मौजूद हैं। 1849 में अंग्रेज इंतजामिया ने नमक की निकासी का काम साइंसी बुनियादों पर शुरू किया। 1872 में एक मारूफ अंग्रेज माइनिंग इंजीनियर डॉक्टर वार्थ ने नमक के जखायर तक बराह रास्त रसाई के लिए बड़ी कान की खुदाई करवाई, जो ताहाल फ़ाल है। इस वक्त खेवड़ा की कानों में 17 मंजिलों से नमक निकाला जा रहा है। साइंसी उसूलों के मुताबिक कान से 50% नमक निकालकर 50% बतौर सुतून छोड़ दिया जाता है, जो कान की मजबूती को कायम रखता है। खेवड़ा कान नमक दुनिया का खुर्दी नमक का दूसरा बड़ा जखीरा है। यहाँ 2,20,00,000 टन के जखायर मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। ये ट्रैक भी अंग्रेजों ने बिछाया था 1849। ओहो, बहुत पुराना है यार, उस वक्त ट्रेनें इजाद हो गई थी। कान की खुदाई उस वक्त शुरू हुई थी, ट्रेन के बाद तो नहीं। 1849 में ये कान खुदी है। लोगों के कान से मैल निकलता है, अल्लाह ने जो कानें बनाई हैं उनमें से नमक और सोने चांदी नहीं निकलता। ये वाला कान भी अल्लाह ने ही बनाया। जी जी चला,
कैसे बड़े बड़े पत्थर है नमक के, खूबसूरत पत्थर। अरे बाप रे बाप, ये देखो नमक देखो यार, ट्रेन मुड़ रही है सारी काने उधर भी, ये भी नमक है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। डबल ट्रैक है भाई, अजीब कुदरत है। बस आ जाए सर, ट्रेन वाले तमाम लोग नीचे आ जाए, स्टेशन आ गए, चलो चलो भाई। भाई कैसी खतरनाक आवाजें अंदर, ये देखो नमक ही नमक है सारे, हमारे चारों तरफ नमक। तो बाप रे बाप, तो ये क्या, ये जाएगी कैसे? अच्छा अच्छा, दूसरे ट्रैक पे, जिंदाबाद। कोई है भी ब्रीफिंग के लिए? इंतजाम किया हमारे लिए ब्रीफिंग के लिए, पूरा नमक है चारों तरफ। ब्रीफिंग भी रिकॉर्ड कर, हाँ ब्रीफिंग रिकॉर्ड करेंगे। अभी सर आप लोग 2500 फीट का सफर तय करके जिस चौक पे उतरे हैं, इस चौक का नाम है चांदनी चौक, लाइट चली जाए फिर अंधेरा चौक। अच्छा अच्छा, इस माइन की सर टोटल 17 मंजिले हैं, 5 इससे ऊपर है, 6 पे आप लोग विजिट कर रहे हैं सर, ग्राउंड यानी इससे ऊपर 5 हैं, 5 से इससे ऊपर है, 6 पे आप और 11 से नीचे। 150 साल हो गए जी यहाँ से नमक को निकालते हुए, एक अंदाजे के मुताबिक 20% भी नमक यहाँ से नहीं निकला है सर। इस माइन के साथ जो वेदर होगा वो अपोजिट होगा, माइन गर्मियों में ठंडी होती है, सर्दियों में गर्म होती है। ये दुनिया की दूसरी बड़ी माइन और एशिया की पहले नंबर पे है जी, जो दुनिया की सर पहले नंबर पे है वो पोलैंड के अंदर है, कराको साल्ट माइन। अभी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने साथ साथ रहना है, क्योंकि यहाँ लाइट चली जाती है। खेड़ा साल्ट माइन भी पाकिस्तान का हिस्सा है जी, परेशानी होना है, लोड शेडिंग यहाँ पे भी होती है। अच्छा, आस्ता आस्ता आगे चलते हैं, जिस तरह पॉइंट आते जाएंगे मैं इंशाल्लाह बताता चलूंगा। चलो चलो, पॉइंट टू बी नोटेड। ये हमारे गाइड हैं जी, बता दें अल्लाह का शुक्र। अच्छा, तो ये खोद खोद के पूरी इतनी बड़ी ये सुरंग बनी है, यानी माइनिंग किसे? ये जो सब जिस एरिया में हम लोग चल रहे हैं, ये सारी मुगल पीरियड में माइनिंग। मुगल जी सर, क्या मतलब? अच्छा, ये मुगल दौर हुकूमत में यहाँ माइनिंग हुई है, यानी वो क्या इस मुसलमान बादशाहों ने किया था ये काम? जिस जगह पे सर आप चल रहे हैं यहाँ से 300 फीट नीचे काम हो रहा है। अच्छा, जिस जगह हम हैं यहाँ से 300 फुट नीचे, यानी ये जमीन के अंदर भी है? 11 मंजिले से नीचे है, 5 ऊपर है, 6 के आप। कमाल है यार, ये देखो ये सारा नमक है, आप देख रहे हो ये? थोड़ा सा जी, ये क्या है?
ये क्या है? आप तमाम लोग प्लीज आगे इस पानी वाले तालाब पर तशरीफ ले आए। इस तालाब की सर जो लेंथ है वो 40 फीट है, जो सर इसकी गहराई है वो 70 फीट है जी। इस किस्म के माइन के अंदर 100 तालाब मौजूद है। 100 तालाब? हर तालाब से हम लोग 1 फीट पानी को निकाल लेते हैं। करीबी सर एक फैक्ट्री है आई से आई सोडाश, ये पानी उसे दे रहे हैं। इस पानी से सर्फ साबुन शैम्पू बन रहे हैं। पानी की खास बात कि इसके अंदर कोई गिर जाए तो डूबेगा नहीं। लेकिन सर हम किसी को खुशी से भी छलांग नहीं लगाने देते। आप लोग 10 मिनट से ज्यादा इसके अंदर नहीं रह सकते। जो जिस्म के अंदर नमकियात होगी पानी खींच लेगा, एमरजेंसी में ड्रिप लगवानी पड़े। एक साइड से रास्ते को छोड़ दे, चल दे इस पानी में आप रहेंगे तो। जिन लोगों ने मास्क पहने हुए जी, अपने मास्क उतार के यहाँ पे लंबे लंबे सांस ले, अस्थमा के लिए बहुत अच्छा है। इंग्लैंड अमेरिका से लोग आते हैं सांस का इलाज करवाने, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, ज्यादा लंबे सांस भी नहीं लेने, ऐसे ना कि दोबारा सांस आना ही बंद हो जाए। मूव करते हैं जी बादशाही महोदय, थैंक यू। चलो भाई, ये बेचारे का गोट सुबह से शाम काम ही यही है, चीख चीख के इसका, आपका का तो गला बैठ गया। मैंने कहा आपका तो सुबह शाम काम ही यही है। पांच सौ मिनट बताया इसे तालाब है। 100 ये पानी क्या करता है? आपके नमकियात को खींच लेगा। अच्छा 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 थोड़ा कैसे खोदा है यार ये सर? चेक है इस तालाब की गहराई से आपको अंदाजा हो जाएगा। 10 फीट से लेकर गहरे तालाब है। इस तालाब से पानी को निकालने का मकसद ये है भाई कि इन तालाबों का पानी नीचे जा रहा है, रोडों को नुकसान हो रहा है। ट्रैक्टर और ट्रॉली के जरिए ऊपर की तरफ नमक लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट बादशाही मस्जिद, आगे चलते हैं। आगे आप लोग आराम से पिक्स उतार लीजिए। चले सर, बहरे मुर्दार की तरह है। अच्छा ये सर बगैर मेडिसिन भी होता है, सिर्फ आपने इन जाम को इनहेल कर लिया जो सर डस्ट वगैरह भी रिमूव हो जाएगी जी। अच्छा कितनी देर तक हम ये लेंगे तो ट्रीटमेंट? आपकी ट्रीटमेंट शुरू हो गई सर, माइंड के अंदर एंटर में आपकी ट्रीटमेंट शुरू हो गई। अच्छा कह रहे हैं यहाँ लंबे लंबे सांस लें आपके, जब सर आप बन जाएंगे लंग्स जो है बिल्कुल साफ हो जाएंगे। ये भी सुरंग है यार। इस पानी में आप बैठेंगे आपके जिस्म का नमक सारा खींच लेगा, ये नमकियात मर जाता है आदमी। अच्छा अच्छा जिंदाबाद। एक मिनट के पास ठीक 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 ये कितना तहफ जमीन के अंदर मजीद कितना खोद के काम हो रहा है? आपने अभी क्या बताया था? 300 फीट नीचे काम हो रहा है। 300 फुट 11 मंजिले हमसे नीचे हैं जी सर। 5 ऊपर है, छठी क्या है तो ये घिरती नहीं है? 17 लेवल ये सर, पिलर के नीचे पिलर है, कमरे के नीचे ये सर मस्जिद आ गई। अच्छा ये भी नमक से बनी हुई है जी सर, ये नमक से। जिंदाबाद, यहाँ हम नमाज पढ़ते हैं यार। अंग्रेज यहाँ सांस लेने के लिए आते हैं, इसकी हवा लंग्स के लिए बहुत मुफीद है। यहाँ चले भाई, दो दो रकत पढ़नी चाहिए यहाँ पे। ये नमक की मस्जिद है। सुभान अल्लाह जी, कितना नमक निकल रहा है डेली? आप सर 2 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर आगे वर्किंग एरिया जहाँ से नमक को निकाल रहे हैं। अच्छा डेली सर नमक निकल रहा है वो 1500 टन है,
जो लेबर काम कर रही है सर उसकी तादाद है 1000। इस मस्जिद को बने हुए 50 साल हो गए, मस्जिद का नाम है बादशाह। अच्छा 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 जी जी हाँ बना ले बना ले। चारों तरफ नमक है। चलें भाई बहुत खूबसूरत है। ये देखो यहाँ सांस बहुत मजे का आ रहा है। ये डिस्पेंसरियां बनाई हुई हैं। हम अभी कितने किलोमीटर अंदर हैं कान के अंदर? सर आप 2 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं। 2 किलोमीटर हम कान के अंदर आ चुके हैं इस वक्त। डिस्पेंसरी है जो 1000 के करीब लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, उनमें से सर अगर किसी को चोट लगेगी तो यहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट हो। अच्छा, ये नमक कहाँ निकाला जा रहा है? नमक सर ये जो मस्जिद आपको दिखाई है 2 किलोमीटर आगे वर्किंग हो रही है, नमक आगे नमक निकल रहा है। वहाँ नहीं जा सकते सर, वहाँ पे लाइट नहीं है, मट्टी का तेल और गैस सिलेंडर यूज किया है। लाइट सिर्फ सर इसी 1.25 किलोमीटर की। नहीं तो वो मजदूर बगैर लाइट के कैसे काम कर रहे हैं सर? वो मट्टी का तेल और गैस सिलेंडर। हाँ तो देख लेते ना हम भी सर यहाँ से। चले नहीं दिखा रहे इसका मतलब। ये देखो ये सब नमक है। अल्लाह की कैसी कुदरत है भाई। अल्लाह ने इंसान को पैदा करने से पहले उसकी जिंदगी का कैसा सामान पैदा किया है। ये देखे ये क्या है? चागी, चागी का पहाड़ है। चागी ये क्या चागी का मॉडल बनाया है नमक से? हाँ जी आए ना। ओ नहीं भाई ये ऊपर से गिर गिर के नमक वो ऊपर से गिर गिर के चागी का मॉडल उसी शक्ल पे बन गया है ना। बन गया बस इत्तेफाक से बन गया। नहीं इत्तेफाक से नाम दे रहे हैं वो चागी का। अच्छा उसका नाम भी दिया भाई चागी पहाड़। इस तरफ देखो ये देखें ये नमक के क्रिस्टल हैं। हम 2.5 किलोमीटर कान के अंदर आए हुए हैं इस वक्त और चारों तरफ से खुदाई हुई भी है। मुगल दौर हुकूमत ने कहते हैं इसकी खुदाई हुई थी। क्या पानी के टोल रहा है जी? पानी सर यहाँ से आ रहा है। इसका नाम है नमक का अंगूरी बाग। लेकिन आप लोगों ने इन अंगूरों का टेस्ट ही चेक करना, सारे अंगूर खट्टे हैं। अच्छा। पानी यहाँ से भी आ रहा है। बूढ़ो बच्चा पानी तो नजर नहीं आ रहा। जो बच्चा पानी को जुबान से लगाता है जी। अच्छा ये गिर रहा है कतरा कतरा पानी गिर रहा है। पहली पोजीशन आती है जो बड़ा लगाता है उसके घर के अंदर आती है। ओए बहुत कड़वा है। इतना सा आपने मेहनत कर ली है इंशाल्लाह पहली पोजीशन आएगी। ज्यादा ज्यादा नंबर फ्रेश नंबर के फ्रेश पानी तो आपने आने से फर्स्ट पोजीशन आ गया। जो बच्चा बहुत मजे का नमक है फ्रेश नमक है सर ये फ्रेश। ये नमक हाँ सर आप एक वीलॉग बनाए ना मौलाना बशीर साहब। आप वीलॉग क्यों नहीं बनाते आप? वीलॉग का तो जज्बा नहीं है। पहला वीलॉग आपका वो नमक का बनाया है। वीलॉग के आपका वीलॉग उनके वीलॉग के अंदर चल रहा है सर। ये व्लॉग गिरी कहलाता है ये अमल। व्लॉग में व्लॉग ये व्लॉग उस व्लॉग के अंदर बोलना हुसैन सर साहब का व्लॉग भी चल पड़े। सुनते व्लॉग गिरी। ये भी तालाब है। कितने बड़े-बड़े तालाब हैं यार पानी टपक टपक के। बहरे मुर्दार है ये बहरे मुर्दार। बहुत बड़ा माशाल्लाह
तालाब बना हुआ है, 100 तालाब है कह रहे हैं इसमें। सुरंगों में सुरंगे हैं, सुरंगों में सुरंग दर सुरंग, 150 साल से नमक निकाल रहे हैं यहाँ से। ये देखे ना उसे नीचे, अच्छा खासा गंदे बिल्कुल, कहते हैं इस पानी में डूबता नहीं है आदमी। बहुत देखो यार, इट इज टू डेंजरस। दोबारा बताओ दोबारा। इसके बाद जो सर हमारे नेक्स्ट पॉइंट आ रहे हैं, नथिया गली, मरी की बर्फबारी, पुलसरात, दीवार मोहब्बत, फवारा चौक, वेंटिलेशन, और इसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक। पुलसरात भी आ रहा है, जिसके अमाल अच्छे नहीं है वो जरा अवॉइड करे। अरे पुलसरात आ रहा है, मैंने कहा जिसके अमाल अच्छे नहीं है जरा अवॉइड करे वो। ये कह रहा है पुलसरात आ रहा है, नहीं जाए उसके ऊपर। अच्छा अपनी हरकतें ठीक कर ले, क्या मशवरा है? ये भी सही है, अभी तौबा कर ले, तौबा कर ले। ये क्या वुजू खाने बन रहे हैं यहाँ पे? क्या हवा बहुत मजे की है यहाँ, हिस्टोरिकल। ये मुगल बादशाहों ने कुछ सेटअप लगता है यहाँ शुरू किया था। ये मुगल बादशाह अकबर है, सबसे पहले मुगल बादशाह ने यहाँ से वो निकाला है। अकबर है, उससे पहले ये वो सिकंदर आजम के घोड़ों वाली वो जो जंग थी उसका है। सिकंदर आजम के घोड़े इन पत्थरों को चाटते हुए पाए गए, फिर पता चला कि यहाँ पे नमक है, तब से नमक की तलाश शुरू है। प्लीज आगे आ जाए, नथिया गली, मरी की बर्फबारी। फवारा चौक नाम ऐसे रखे हैं जैसे पूरे पूरे मुल्क आबाद है। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम हसन जमाल है, लेकिन लोग प्यार से कमाल कहते हैं। कमाल, आप कब से हो यहाँ पे? कोई सर तक यहाँ पे 10 साल हो गए। 10 साल से आप तो गला बैठ नहीं गया आपका बोल बोल के। बस सर, अच्छा फुल शराब किधर आ रहा है? बस सर अभी नेक्स्ट सर, प्लीज वेट कीजिए। ये क्या? हाँ नहीं सर, बड़े क्या क्या खुदाई हुई है, देखो कहाँ कहाँ, ये सब नवा क्या, ये देख रहे हो आप, ये अंदर लाइटें लगाई हैं क्या? जी अच्छी तरह बना ले यहाँ पे। इसकी दीवारें नहीं बनाई जा सकती घर में? हाँ बनाई जा सकती है। ये क्या चश्मा है पानी का? ये क्या पानी कैसे आ गया ये अचानक? चलो भाई फवारा चौक नाम ऐसे रखे हैं जैसे पूरे पूरे मुल्क आबाद है। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम हसन जमाल है, लेकिन लोग प्यार से कमाल कहते हैं। कमाल, आप कब से हो यहाँ पे? कोई सर तक यहाँ पे 10 साल हो गए। 10 साल से आप तो गला बैठ नहीं गया आपका बोल बोल के। बस सर, अच्छा फुल शराब किधर आ रहा है? बस सर अभी नेक्स्ट सर, प्लीज वेट कीजिए। ये क्या? हाँ नहीं सर, बड़े क्या क्या खुदाई हुई है, देखो कहाँ कहाँ, ये सब नवा क्या, ये देख रहे हो आप, ये अंदर लाइटें लगाई हैं क्या? जी अच्छी तरह बना ले यहाँ पे। इसकी दीवारें नहीं बनाई जा सकती घर में?
हाँ बनाई जा सकती है क्यों आ रहा है वो ना वीडियो वीडियो बहुत सारी सुन रहे हैं ये मरी पॉइंट है इधर है इधर बंदर कहाँ है नसिया गली में तो बंदर बहुत है ना ये देखिए सर ये हमारा सर मरी पॉइंट है जी ये मरी पॉइंट वहाँ पे बर्फबारी होती है यहाँ पे सर नमक बारी होती है अच्छा अच्छा आप यहाँ से नमक गिरता है नथिया गली से होंगे नमक गिर रहा है वहाँ अयूबिया गली से बाहर निकलेंगे बर्फबारी हो रही है 15 मिनट के बाद हम लोग बाहर पहुंचेंगे बर्फबारी हो रही है प्लीज सर इस साइड सेंटर नथिया गली किधर है नथिया गली सर नथिया ये नथिया गली है ओए सारा नमक देख रहे हो नमक अबे लाइट गई बहुत खूबसूरत जगह है नाजरीन नथिया गली है नाजरीन आप देख रहे हैं बंदर नहीं है बस यहाँ पे अब जाना क्या है अच्छा ये नथिया गली है पुल सिरात किधर है ये नथिया गली है पुल सिरात से पहले तोबा करो सबसे कहो तोबा करें पुल सिरात आ रहे हैं तोबा करवाएंगे सबसे मजाक अच्छा पहुंच रही है ये बहुत मुफीद नमक है सेहत के लिए अच्छा ये पानी पंप के वही कड़वा पानी ये सर वही कड़वा पानी यहाँ से मुसलसल 24 घंटे चलता रहती होगी ये सर जितने तक माइनिंग हो रही है इतने तक चलता रहेगा मगरब की नमाज के बाद पानी अच्छा अच्छा जबरदस्त जी पहाड़ के अंदर एक दुनिया है भाई होटल भी बना हुआ है लेकिन कुछ है नहीं इतना नमक वाह सर जो लोग पीछे पिक्चर्स ले रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आगे आ जाएं इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख के यहाँ पे आपको टाइम देंगे फोटो ले लीजिए अच्छा अभी सर हम लोगों ने जो ब्रिज क्रॉस करना है ये दुनिया का पहला ब्रिज है जो नमक का है ब्रिज का नाम है सर पुल सिरात क्रॉस करेंगे लड़की जन्नत के अंदर कल तक यही नमक आप लोगों के पेट में गर्दिश किया करता था आज आप तमाम लोग नमक के पेट में गर्दिश कर रहे हैं यहाँ पे जितने भी पिक्स लेंगे आपकी पिक्स नमकीन आएंगे कल तक हम हमारे पेट में नमक होता था आज हम नमक के पेट में बहुत खूब बहुत खूब बहुत अच्छे ये भी काट के बनाई है क्या पूरी वो स्मूथ कर दी है चटानों को स्मूथ कर दी है नहीं नमक निकाला है ना यहाँ से सारा हाँ 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 बिल्कुल 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 ये पुल भी नमक का बना हुआ है जी आप इधर आ जाए आप यहाँ आ जाए आगे आ जाए इधर सामने आए वो भाई कहाँ है इधर आओ ना इधर सामने आओ आप तमाम लोग रेडी हैं सर जी ये जो सर आमने सामने आपको खूबसूरत वॉल दीवारें नजर आ रही हैं जिस दीवार के ऊपर सर में लाइट इस दीवार का नाम है दीवार मोहब्बत इसे हाथ लगाने से घर में लड़ाइयां झगड़े खत्म हो जाएंगे मोहब्बत चले ये भी पता चल जाएगा किन किन के घर में लड़ाइयां ये जो सर इस साइड के ऊपर दीवार है एक उंगली से टच करेंगे मीठा टेस्ट आएगा दूसरी से टच करेंगे नमकीन चेक करें एक से मीठा एक से नमकीन ये मीठे देखे जी आज भी हमारी बहनें कितनी भोली हैं आप लोग नमक के अंदर है नमक नमकीन नहीं होता कभी मीठा नहीं होता ये जो दीवारें मुलायम है जी जो भी मेहमान आते हैं इसी तरह हाथ लगवा के सफाई करवाते हैं
सफाई करवा रहे हैं। ये 10 साल से यही काम कर रहा है मगर थका नहीं है ये बंदा। यही जुमले इसके अगले ग्रुप के साथ भी हैं। इनको हम इंशाल्लाह कोई गिफ्ट देके जाएंगे। वाह यार, 100 के करीब 100 तालाब है भाई, कम नहीं है। ये सब पत्थर पास रखिएगा, मैं बताता हूँ आप। जी ये पत्थर है, ये नमक का पत्थर मेरे पास। बाकी लोग सर आप प्लीज थोड़ा सा आगे चल जाएं, सारे लोग जस्ट आप सर जी आप लोग सर प्लीज आगे निकल जाएं, सारे लोग एक ही दफा जस्ट आगे चल जाएं, कोई इशू नहीं। आगे जाएं चैलेंज मैडम प्लीज आगे चल जाए सर। आप जिन बहनों के सर के ऊपर पट्टा नहीं है प्लीज दुपट्टा लें और दुरूद भी पढ़ लें जी। इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी का नाम मुबारक नेचुरल तौर पर मोहम्मद लिखा हुआ है। चेक करें सामने वाली दीवार के ऊपर इसमें मोहम्मद कहाँ भाई। ये सर आ गए ना, ये सर आप मोबाइल से देख लें नजर नहीं आ रहा। जी 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 ये कैसे? सर ये लिखा हुआ कैसे? ये सामने वाली दीवार के ऊपर ये सर चेक करें, ये यहाँ से लाइन ये सर आगे मोबाइल लेते जाइए। नजर नहीं आ रहा यार, दिखाए ये सर ये वाली लाइन है सर, हमें दिखाइए सर, हम जरा देख पाए इसको। ओ भाई मोबाइल गिर जाएगा। चलो भाई ये बिल्कुल सामने वाली दीवार पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये छत के ऊपर सफेद वाला लिखा हुआ है कहाँ? ये सर थोड़ा सा दबाइए, ये सर ऊपर ये लिखा हुआ है ये बाजी क्लियर देखें ये मोहम्मद चलो भाई पत्थर का क्या करना है? मैं स्टोन फेंकूंगा ये पत्थर एंड तक जाता हुआ नजर आएगा सर। आप फेंके ना फेंके मैं फेंकू ये फेंका ये सर देखिए एंड तक जाता हुआ आपको नजर आएगा। हाँ यार नजर आ रहा है एंड तक, बहुत शफाफ पानी है भाई ये तो। जी सर क्लियर पानी है, 70 फुट गहरा है सर, फिर इतना कड़वा भी है। आप इस तरह आप तमाम लोगों का 70 फुट तक ये नजर आ रहा है, 70 फुट गहरा पानी और ये नजर आ रहा है पत्थर जाता हुआ, बहुत अजीब। देखिए ऊपर वाले उसका नीचे सा वो बन रहे हैं साया बन रहे हैं इतना शफाफ है। आप इस तरह आप तमाम लोगों का विजिट मुकम्मल हो गया है जी। लास्ट में सारे खुशी से गाइड की टिप होती है कि नाम होता पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप लोग फोटो वगैरह ले लें, जो ट्रेन आएगी इंशाल्लाह आपको ट्रेन का ये आप देखें क्या क्या चीजें नमक की बनाई हुई है लोगों ने। हम वापस जा रहे हैं क्या क्या चीज़ें बनाई हुई हैं लोगों ने नमक से। वाह ये कहते हैं लैंप में सांस लेने से बड़ा फायदा होता है लंग्स को। ये आपका नाम क्या है? कारी मोहम्मद रफीक। कारी मोहम्मद रफीक साहब ये यही मकामी मस्जिद में इमाम है, तो हमें मिल गए, कह रहे हैं आपको गिफ्ट देना है। मौलाना अब्दुल रहीम साहब, अच्छा माशाल्लाह, वाह साहब वाह 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 भाई वाह जिंदाबाद। ये भी नमक है लैंप है ये, इसमें इसमें कैसे लगेगा ये? ये लगा अच्छा अच्छा ये वो वाला देना है लाइट वाला। मैं नौकर साहबा था माशाल्लाह माशाल्लाह। ये लैंप इसमें हम वो ये बल्ब लगा के दे रहे हैं, बल्ब लगा के दे रहे हैं। तो ये थोड़ा हमें वो ये ऑरेंज नहीं है ये वाइट है, खूबसूरत तो मेरा ख्याल है ऑरेंज ज्यादा होगा। ये ऑरेंज है सही, ये भी दे दे। ये घड़ी कैसी दिखाई घड़ी? घड़ी के अंदर भी बल्ब लगेगा? घड़ी सही है, घड़ी नहीं घड़ी के अंदर वो है ये सर ठीक है।
ये मल्टी लाइट होती है इसमें। अच्छा ये ठीक है, दे दे फिर ये इसमें ये नीला और सुरख और हाँ ये सही है। हम वापस जा रहे हैं, आपने विजिट कर लिया होगा केवड़े की खान, केवड़े की कान, खेवड़ा, खेवड़ा नमक कहलाता है ये। 300 किलोमीटर लंबी कान का सिलसिला है। चलो भाई वापस आते हुए हमें सबसे पहला डब्बा मिला था, अब सबसे आखिरी डब्बा मिला है हमें। बहुत मजा आया। अच्छा तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम हसन जमाल है। हसन जमाल, आप हो किस इलाके के? मैं सर इसी इलाके से हूँ जहाँ से लोग कमाल कहते हैं। जमाल वो तो आपने पहले बताया था माशा। और गुस्से में क्या कहते हैं आपको? गुस्से में भी सर जो कुछ कहते हैं, प्यार से तो जमाल कहते हैं, गुस्सा जब आता है फिर क्या कहते हैं? यहाँ 10 साल से ये गवर्नमेंट जॉब है? गवर्नमेंट जॉब है, सर। अच्छा 10 साल से आप बोर नहीं हुए लोगों को सारा दिन विजिट करा करा के? क्या करें सर, रोजी रोजी। आपकी छुट्टी किस दिन होती है? सर छुट्टी खुद ही करनी है, छुट्टी नहीं होती। अच्छा तो जिस दिन आप छुट्टी पे होते हैं फिर कौन आता है? और भी सर काफी 8-10 गाइड है सर। तो आप दिहाड़ी पे हो, तनख्वाह पे हो? नहीं सर, मेरी ड्यूटी कहीं और है, पार्ट टाइम डेली पे। अच्छा सही है। देखो पानी की नहरें भी हैं यहाँ। ये पानी कहाँ जा रहा है? ये पानी सर फैक्ट्री में जा रहा है, आई से छोटा है। हाँ ये शुक्र है लोगों ने इसको गंदा नहीं किया अभी। सर ये जब से सर अंदर कैंटीन वगैरह खत्म होती है ना, 2018 में सर हमारे पास 6 लाख के करीब लोग आए हैं जिनमें 50,000 फॉरनर थे, और वो जम भी जाते हैं, वो कहते हैं कि सफाई का सिस्टम नहीं, इसलिए ये सब कुछ सर बंद कर दिया कैंटीन वगैरह। अच्छा किया, वो कितना बुरा इमेज लेके जाते होंगे। जी बिल्कुल सर। पार्किंग में जाके उतारेंगे इंशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, ये सारा नमक जा किधर रहा है? पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है? पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है सर, इंडिया को नहीं जा रहा 2015 से, अब चाइना लेके चाइना इंडिया को सप्लाई कर। पहले डायरेक्ट इंडिया जाता था ना, इंडिया एक्सपोर्ट करता था। जी बिल्कुल सर। सुना इंडिया हमारे के मुल्कों में एक्सपोर्ट कर रहा है, हमारी सार्ट के नाम से। अच्छा लेता हमसे है? 2015 तक सर हमसे ले रहा था, अब चाइना से लेके सप्लाई कर रहा है। अच्छा और चाइना हमसे लेता है? जी बिल्कुल ऐसी। ये सॉल्ट सेहत के लिए सुना है बहुत मुफीद है। जी जी बिल्कुल सर, मैं घर में यही इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, पिछली दफा आया था पूरी बोरी ले गया था मैं नमक की। सर मेरा नंबर ले लें, जब कोई जरूरत हो मुझे कॉल करें, मैं बता दूंगा। कैसे भिजवाएंगे? पहुँच जाएगी सर आप तक। लैंप का क्या फायदा है? लैंप लैंप सर ये नमक का जो लैंप है, मरीज को सर टेबल लो लैंप के तौर पे घर में यूज करें, उन्हें सांस के मसाइल हल हो जाते हैं उससे। बिल्कुल सर ऐसे ही। खाने वाल आने वाला है, खाने वाल जंक्शन, फिर वहां से लाहौर, फिर फैसलाबाद, लेफ्ट पे फैसलाबाद, ऐसा ही लग रहा है हमें तो भाई। ये ट्रेन कब से चल रही है? गोरों ने चलाई होगी?
ये सर 2003 तक ऐसा छखड़ा तो हमें यूज होती थी, नमक इसके ऊपर लोड होके पाए। अच्छा, टूरिस्ट के लिए सर कन्वर्ट कर दिया गया है 2003 से सर, प्रॉपर टूर का आगाज हुआ है। अच्छा जी सर, ये सर महसूस न करे तो अपना नंबर ले सकते हैं। मैं महसूस, हाँ नंबर मेरा लिख लें, ये लें। चलो भाई आ गए भाई, किराया पूरा हो गया। हाँ ये भाई, ये कौन सा जंक्शन आया? जिंदा सलामत वापस आ गए। ये सारे इन सब पहाड़ों के नीचे नमक है ना, देख रहे हो भाई आप लोग, ये सारे पहाड़ नमक से भरे हुए हैं। अच्छा ऊपर वो बिल्डोजर क्या काम कर रहा है, क्रेन? जिप्सम निकाल। क्या जिप्सम? जिप्सम जी सर। वो क्या होती है वो सर? ये यूज होता है आपके ये टाइलों वगैरह।